वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बीकॉम फाइनल ईयर और बीबीए हमारा फाइनल ईयर इस टाइम का जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है हमारा सीई है, ठीक है, और सेम चीजें हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन अब हम डिस्कशन कर रहे हैं आपका जो आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, टूल्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में आपका टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट है आपका कम्युनिकेटिंग, जो फर्स्ट टेक्निक है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो है आपकी कम्युनिकेटिंग। ठीक है, इसमें देखिए द सक्सेस और फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट in right form at the right time so as to enable them to carry out the function of planning, control and decision making effectively. ठीक है, मतलब क्या है, कम्युनिकेटिंग जो आपकी टेक्निक है, आपकी फर्स्ट टेक्निक है, वो क्या टेक्निक करती है, एक जो मैनेजमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है किसे, मैनेजमेंट टीम, जिससे मैनेजमेंट क्या कर सकता है, राइट टाइम पे राइट फॉर्म में वो प्लानिंग कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के जो फंक्शंस हैं उन्हें इफेक्टिवली कर सकता है और इफिशिएंटली उसे अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे एक्टिवली चालू रख सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल प्रिपेयर द नेसेसरी रिपोर्ट्स for providing information to the different level of management by proper selection of data. ठीक है, management accountant क्या कर रहा है, necessary reports को prepare कर रहा है, जो information provide करनी है किसे, आपके different level of management को एक proper payment proper data के साथ, किसके लिए, उसे organization of data and selecting the appropriate method of reporting. ठीक है, तो data है उसे organize किया जा रहा है और select जिससे proper payment reporting करी जाती है, किसके लिए, decision making के लिए, management के लिए। ठीक है, ये चीज आती है आपका किसमें, communicating में। ठीक है, next आता है आपका analysis of financial statement। analysis of financial statement means कि जितने भी आपके financial statement बने हैं, profit and loss account बना है, trading बना है, ठीक है, balance sheets बनी है, income and expenditure account है, ठीक है, जितने आपके अकाउंट बने हैं उन्हें एनालिसिस करना। ठीक है, और उनको एनालिसिस करने के बाद उसकी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन उससे मिल रही है हमें, उसको मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करवाना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एक तरीके से अल्टीमेट यूजर है, वो उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पॉलिसीज हैं उसे फॉर्मुलेट करता है और उन पॉलिसीज को ही वो इंप्लीमेंट करवाता है फॉर फ्यूचर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसमें देखिए द एनालिसिस इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा सो दैट अ फोरकास्ट मे बी मेड ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ठीक है, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डेट मैच्योरिटीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो आपके इन्वेस्टर हैं आपको, आप किस तरीके से अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, आप किस तरीके से अपनी डेट मैच्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है और किस वे से आप अपनी पॉलिसी जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है उसे साउंड तरीके से आप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, बाय द जनरेटिंग ऑफ इफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, द टेक्निक ऑफ सच एनालिसिस आर कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये टेक्निक क्या करती है, सीधा-सीधा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें कंपेयर करती है, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को एनालिसिस करती है, किस तरीके का ट्रेंड है, क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, जो आपका रेशियो एनालिसिस है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। ठीक है, दिस एनालिसिस रिजल्ट्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच विल हेल्प which will help business executive investor and creditors. ठीक है,
इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है जिससे जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्हें बिजनेस की और मार्केट ट्रेंड्स की प्रॉपर नॉलेज हो और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो जो हमारा बिजनेस है या मार्केट है उसमें वो इन्वेस्ट कर सके और अपनी जो फॉर्म है उसे आगे की तरह फॉरवर्ड वे में उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसे ले जा सके। ठीक है, वो चीज आती है आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एक बार आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड बनाए हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो उतनी आ सकती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडर मोस्ट इफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो आपकी सबसे बेटर ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उनमें इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, सीधा वही काम है जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है कैलकुलेशन की जा रही है और जो वेरिएंस है उसको एनालिसिस किया जा रहा है। ऑर्डर टू द रीजन, आपका रीजन जानने के लिए एंड टू पिनपॉइंट द रिस्पांसिबिलिटी एंड टू टेक रिकॉग्नाइज एक्शंस सो दैट एडवर्स थिंग्स विल नॉट हैपन अगेन। जो आपकी वेरिएंस एनालिसिस करने के बाद जो पिनपॉइंट रिस्पांसिबिलिटीज है उनको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है जिससे और उसके बाद जो रिमिडाइज एक्शंस है जो जो वेरिएंस है जिस वेरिएंस जिस वजह से वो वेरिएंस आ रहा है उस रीजन को कैप्चर किया जा रहा है और उस रीजन को वो रीजन दोबारा से पैदा ना हो इसलिए उसे आपका सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये थी आपके आपके इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजटरी कंट्रोल में क्या है, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस द टूल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल फॉर कार्यान्वयन कंट्रोल ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जितनी भी हमारी बिजनेस की दुनिया जो आपकी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या आता है आपके पास, बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है वो सारी क्या होगी, मॉनेटरी एक्टिविटीज होंगी और सब में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो उसके कारण हम उसे उन एक्टिविटीज को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो सारा हमें कहां से पता लगता है, वो पता लगता है आपका बजटरी कंट्रोल टेक्निक से। ठीक है, बजटरी कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर डायरेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। बजटरी कंट्रोल क्या करता है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन है उन्हें डायरेक्ट कर रहा है प्रॉपर वे में और प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है, इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन दैट इज अचीव अ सैटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो डिजायर्ड डायरेक्शन है और बिजनेस की टर्म में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, एक सैटिस्फैक्टरी रिटर्न किस पे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट चाहे हम अपने कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे चाहे हमने जो फर्म है हमारी वो इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें, आपके जो डिफरेंट हमारे पास क्या है मार्केट्स हैं, मार्केट जो हमारे पास डिफरेंट फंड्स हैं उन्हें इन्वेस्ट किया जा रहा है मार्केट में। ठीक है, और उनसे क्या रिटर्न आ रहा है। ठीक है, वो चीज आती है आपकी बजटरी कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट वाला करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल सिंपल है, इससे पहले कोर्स में भी हमने पढ़ा था कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। जिससे It includes determining both long-term and short-term financial objectives, जो आपकी क्या है, क्या कह रहे हैं आपके, जो आपके long-term और short-term financial जो आपके objectives हैं enterprise के, उन्हें determine कर रहे हैं और उन्हें achieve करने के लिए policy को form किया जा रहा है, policy को determine किया जा रहा है और आपके financial proposals के थ्रू आपके objectives को achieve किया जा रहा है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, द गोल ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज कैन नॉट बी एम्फसाइज टू अचीव द मैक्सिमम रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है वो सारी की सारी आपकी केवल किस पर है, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अदर्स
जो आपके सेक्टर्स हैं उनके लिए भी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल होती है। फाइनेंशियल पॉलिसी में रिलेट टू द डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ फंड, मतलब ये डिटरमाइन करना कि कितनी आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन कौन से सोर्स है हमारे पास फंड के, और गवर्न द डिटरमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस तरीके से हमारी जो इनकम जनरेट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। एक्ट एज अ गाइड इन द यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल एंड डिटरमिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट्स, ठीक है, कहां कहां से हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और कहां कहां से हम किस किस एसेट्स को परचेज करने में उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा काम भी क्या होगा आपका फाइनेंशियल पॉलिसीज का होगा। नेक्स्ट आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इससे पहले हमने कोर्स में भी देखा था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या काम था, एक बार देख लीजिए। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस द टेक्निक ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो फंड फ्लो टेक्निक है वो इसलिए एनालिसिस किस लिए यूज होती है, जो हमारे क्या है फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी चेंज हुई है और क्या क्या उसके रीजंस रहे हैं चेंज होने के, ठीक है। देन आगे आते हैं इसमें एक टेल्स वेयर फ्रॉम द फंड्स आर कमिंग, मतलब ये हमें बताती है कि कहां से हमारे फंड्स आ रहे हैं इन द बिजनेस एंड हाउ दीज आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, और किस तरीके से ये हमारे बिजनेस में यूज होंगे, ठीक है। एक हेल्प्स अ लॉट इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, उनके बीच कंपेयर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग डिफरेंशिएटिंग कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल डिसिप्लिन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में इसलिए आपका यूज हो रही है आपको डिफरेंस पता करने में, जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसका डिफरेंस कंसीडर करने में, और इस तरीके से आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और आपने किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो किस तरीके की क्या रहेगी हमारे पास इंफॉर्मेशन जिससे आ रही है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग से, जो एक टेक्निक है जिसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। नेक्स्ट बात आ रही है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है इसमें देखिए, अ फंड फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज वेरी यूजफुल इन लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इज quite possible that there may be sufficient working capital as required by the fund flow statement and still the company may be unable to meet its current liability as and when they fall due, ठीक है। और हमारा जो कैश फ्लो है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल बिकॉज इट इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। कैश फ्लो क्या कर रहा है, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है के कहां किन-किन सोर्सेस से कैश हमारे यहां इनफ्लो हुआ है और किन-किन सोर्सेस में कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कैश कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फर्म का कैश कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज़ इट समराइजेस सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लो एंड यूजेस ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये जानकारी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई जो आपका पूछ रहे हमारे पास्ट जो परफॉर्मेंस थी उनका कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, ये इसमें एक बार देख लीजिए। द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स पास्ट डेटा टू द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, ठीक है। जो हमारी ईच जॉब है प्रोसेस है डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनमें सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब जो कंपैरिजन है वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, करना, ठीक है। सच कंपैरिजन में वी हैव टू डू मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। क्या करना है कंपैरिजन, जो हमारी कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है और हमें फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर रहा है।
नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग. व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट ऑपिनियंस फॉर गोइंग अ पर्टिकुलर वर्क, इट बिकम्स नेसेसरी टू सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, दिस रिक्वायर्स डिसीजंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट थ्रू द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग एंड कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग टू सेलेक्ट द बेस्ट एलोकेशन विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर रहा है. इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या कर रहा है, आपका टेक्निक यूज कर रहा है मैनेजिंग मार्जिन कॉस्टिंग की, कैपिटल बजटिंग की, डिफरेंशियल कॉस्टिंग की, जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और कौन सा डिसीजन लें जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. नेक्स्ट आता है आपका रिवेल्यूशन अकाउंटिंग. तो रिवेल्यूशन अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू इट सेगमेंट assures the maintenance and preservation of capital of the enterprise. ठीक है, मतलब कि क्या है कि जो आपकी revaluation accounting है उस टेक्निक से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही कंसीडर कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही कंसीडर कर रहा है किस तरीके के इंपैक्ट आपके किस पे फिक्स्ड एसेट्स पे पड़ रहे हैं जब हम हर साल अपनी वैल्यू को रिवैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आ गए हमारे क्या टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें लास्ट आपका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स. ठीक है, इसमें देखिए द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस वेरियस हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स. ठीक है, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे पाई ग्राफ, चार्ट, बार्स, इन सारे तरीकों से क्या कर रहे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो कर रहा है जिससे एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है किसे मैनेजमेंट को. ठीक है, में नाम पढ़ना पड़े सारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, इसलिए उन्हें ज्योग्राफिकली और स्टैटिकल तरीके से जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो मिलियंस में हैं मिलियंस में, उन्हें हम छोटे फिगर्स में कन्वर्ट करके बड़े अच्छे से अपने मैनेजमेंट के सामने प्रोवाइड करवा रहे हैं और मैनेजमेंट उनको एनालिसिस करके जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है वो कर रहा है और हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है वो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है. ठीक है, ये चीज आती है आपकी स्टैटिकल एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक. ठीक है, इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई आपकी. ठीक है, इसमें आपका हमने पढ़ लिया आपका टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फर्स्ट था हमारा कम्युनिकेटिंग, सेकंड है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोर्थ था आपका बजटिंग कंट्रोल, फिफ्थ था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, सिक्स्थ है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज डिविजन मेकिंग, 11th हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग और लास्ट वन इज स्टैटिकल एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स. ठीक है, तो हमारा लगभग फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई आपकी. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आगे हम देखेंगे क्या क्या मेडिकल पोर्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा. ठीक, आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं. आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बीकॉम फाइनल ईयर का मतलब बीकॉम बीबीए फिफ्थ ईयर का हमारी जो ये यूनिट है आपकी फर्स्ट ऑफ फोर सेम है. ठीक है, सारा कंटेंट सेम है. ठीक है, मतलब के नोट्स भी सेम है. आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. ठीक है, वीडियो के किसी भी लिंक पर मिल जाएंगे आपको किसी भी वीडियो के साथ. डिफरेंट तरीके से बाकी बच्चों का मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आज के लिए अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं. सो थैंक यू क्लास.